चैनल सो आज का मेकअप लुक बेस्ड है ईद मेकअप लुक पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो एक नोटिफिकेशन बेल आ जाएगी, उसे भी हिट कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड यस, मुझे कॉमेंट करके भी बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लुक को। गाइज, सबसे पहले मैं यूज करने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर एंड मैं यूज कर रही हूँ जॉय का प्योर एलॉय मॉइस्चराइजर। ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। सेकेंडली मैं यूज करने जा रही हूँ प्राइमर एंड मैं यूज कर रही हूँ किस ब्यूटी का स्मूथ स्किन प्राइमर। ये काफी अच्छा प्राइमर है। फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ओलिविया का पैनकेक एंड मेरा शेड नंबर है 25 एंड ये आपको आराम से 100 से 120 के बीच में मिल जाएगा। एंड गाइस, हमेशा ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप फाउंडेशन लगाए हमेशा का हमेशा आपने फेस पाउडर या फिर पैनकेक जरूर लगाना है, अदरवाइज नहीं तो आपके फेस में पैचेस या फिर क्रैक्स या तो कभी कभी आपका फाउंडेशन भी हट जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े देन आपको पैनकेक या फेस पाउडर जरूर लगाना। गाइज, अब मैं मूव ऑन करने जा रही हूँ आईलाइनर की तरफ एंड मैं यूज करने जा रही हूँ मार्स का जेल आईलाइनर। अंदर से आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड इसमें से ग्रीन कलर लेके मैं अपने आईलिड्स पे प्लेस कर लूंगी। एंड गाइस, अब एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइस, मैं अगेन इसको प्लेस करने जा रही हूँ अपने आईलिड्स पे। गाइस, नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ आईलाइनर एंड मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर। अगर बात की जाए इसके पिगमेंटेशन एंड टेक्सचर की तो पिगमेंटेशन वाइज ये बहुत ऑसम है, आपको बिल्कुल जेट ब्लैक वाला कलर दे देगा। एंड अगर बात की जाए टेक्सचर की तो इसका जो टेक्सचर है इसमें लिखा हुआ है कि वाटरप्रूफ है, बट गाइस ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है। जो इसका सच है ये 100% वाला वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन गाइस ये जस्ट 50 रुपीज का है, इसमें आप क्या चाहोगे। इतना अच्छा पिगमेंटेशन है, जेट ब्लैक पिगमेंटेशन, उसको देख के ही खुश हो जाओ। गाइस, नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ काजल एंड मैं यूज कर रही हूँ मार्स का आई काजल। गाइस, अब मैं अपने काजल को स्मज कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप स्मज नहीं करोगे तो एक अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। गाइज, अब मैं यूज करने जा रही हूँ आईब्रो पेंसिल एंड मैं यूज करूंगी मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल। ये काफी काफी क्रीमी आईब्रो पेंसिल है, जस्ट 90 रुपीज की अवेलेबल है। एंड गाइज, ये इतनी लेंथ नहीं है, इसकी लेंथ काफी थी बट मैंने इसको यूज किया ये इसलिए इतनी हो गई है।
अब मैं यूज करने जा रही हूँ मस्कारा एंड मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा एंड गाइस इसका वॉल्यूम काफी अच्छा है, आपके लैशेस को काफी अच्छा वॉल्यूम देता है। गाइज अब मैं करने जा रही हूँ कॉन्टोरिंग एंड मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का लिप क्रॉन। ये एज अ कॉन्टोरिंग काफी अच्छा वर्क करता है क्योंकि ये बहुत क्रीमी है। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ हाइलाइटर एंड मैं यूज करने जा रही हूँ सिवाना शिमर ब्रिक हाइलाइटर। ये काफी अच्छा हाइलाइटर है, मेरा शेड नंबर है 02 एंड मैं इसको हाईली वाला रिकमेंड कर रही हूँ। गाइज इसको एक बार लेके देखो, काफी 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 अच्छा हाइलाइटर है। गाइज अब मैं यूज करने जा रही हूँ लिपस्टिक एंड मैं यूज कर रही हूँ MN की किस प्रूफ लिपस्टिक एंड मेरा शेड नंबर है 02। गाइज इस लिपस्टिक को थोड़ा सा डीपर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ MN की किस प्रूफ लिपस्टिक जिसका शेड नंबर है 14। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लश एंड मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लू हेवन का चीक ब्लश। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ फॉल्सीज एंड मैं यूज करूँ